साथ को जानती नहीं है ना, तो किसी अनजान शख्स के साथ दुनिया लंबा सफर थोड़ा रिस्की नहीं है? ये लड़का जो है ना, ये इंजीनियर है और ये इसकी स्पेयर पार्ट की दुकान है, लेकिन ताहिर को ये लड़का पसंद आया। मेरी बेटी की जासूसी करोगी उसके कॉलेज जाकर? तुम्हें क्या लगता है उसके आगे पीछे कोई नहीं? हाँ, अभी क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता, अम्मी ऐसा कर ही नहीं सकती। तो आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? पता नहीं रूमी, लेकिन बात मानने को मेरा दिल नहीं चाह रहा। आपस की जो भी रंजिशें, जो भी बुराइयां हैं, उन्हें भुलाकर हमें इस लड़की को असद की जिंदगी से निकालना होगा। अगर ऐसा हम ना भी कर सके तो कम से कम उसके लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर दें कि उन उलझनों से ये निकल ही ना सके। इसको घुमाने से तुम्हारे चक्कर खत्म नहीं होंगे। मीटिंग क्यों नहीं अटेंड की? जब दिमाग उलझा हो तो मीटिंग में डिस्कस होने वाले मामलात को कैसे सुलझा सकता हूँ? अकलमंदी से मामलात सुलझाए जाते हैं, बेवकूफी से नहीं। क्या कहना चाहते हैं, कि मैं रूमी की बात पे यकीन करूं? अम्मी, माहीन, वो झूठ तो नहीं बोलेंगी? देखो, मैं ये तो नहीं कह रहा कि अपनी माँ की बात ना मानो, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि अपनी बीवी का भी जो है ना एतमाद मत तोड़ो। ऐसा कैसे हो सकता है? जब सही और गलत में से एक सही साबित हो जाए तो दूसरा खुद ब खुद गलत साबित हो जाएगा ना। अरे यार, ये साबित करने के चक्कर में अपनी जिंदगी को क्यों खुआर कर रहे हो? छोड़ दो इस सही गलत की बहस को। क्या समझाया था मैंने तुम्हें? रिश्तों को बैलेंस करके चलो। क्या किया तुमने? सारा झुकाव अपनी मां की तरफ कर दिया, तन्हा छोड़ दिया रूमी। अगर तुम्हारी मां को तुम पे मान है तो रूमी को भी तो होगा ना। तुमने क्या किया? मां का मान रख लिया और रूमी का दिल तोड़ दिया। अच्छा किया ये। ताहिर, अभी भी वक्त है, अगर सालिया को साथ चलने के लिए कह दें तो अच्छा है। देखो, फैसले बार बार नहीं बदले जाते, समझे? चलें बाबा। हाँ बेटा, चलो। हाय अल्लाह, शुक्र है तुम चाय ले आई। मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा था, अभी न जाने उस लड़की के घर कितनी देर बैठना पड़ जाए। आप आराम से घर बैठ के चाय पिए, क्योंकि मामू ममानी तो जा चुके हैं। नहीं, ताहिर भाई मेरे बगैर कैसे जा सकते? कैसे का तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता वो जा चुके हैं अपनी चहेती को साथ लेकर। मेरे ख्याल से उनको लगा होगा कि घर के बड़े से ज्यादा घर के सबसे छोटे को ले जाना बेहतर होगा। चाय पी। हमें अपनी बेटी ले जाने की बहुत जल्दी है, बस बहन करीब के महीने की कोई तारीख दे दें हमें। खदीजा, ये कैसे मुमकिन है? मेरी इकलौती बेटी है, मैं अकेली हूँ, सारे इंतजामात मुझे अकेले करने हैं। देखिए, आप मुझे अपने समधी के बजाय अपना भाई समझे और फिक्र छोड़ दें, सारे इंतजामात मैं संभालूंगा। हम दोनों
घरों की जो मेहंदी है वो कंबाइन होगी, निकाह जो है वो मस्जिद में हो जाएगा, रुखसती सादगी से हो जाएगी, मगर जो वलीमे का फंक्शन है वो हम धूमधाम से करेंगे। आप तो सारे प्रोग्राम तय करके आए हैं। हाँ, रूमी की रुखसती के बाद हम उसे बहुत मिस कर रहे थे, तो हमने सोचा कि एक बेटी की रुखसती हुई है तो क्यों ना हम दूसरी बेटी को ब्याह के लिए आए, अगर आपको कोई एतराज ना हो। मुझे कुछ सोचने का वक्त चाहिए। हाँ हाँ, आप जरूर वक्त लीजिएगा, लेकिन फैसला हमारे हक में होना चाहिए। लेकिन आप जब से रूमी गई है हमारा घर सूना सूना हो गया। हम चाहते हैं कि रूमी ना सही लेकिन रूमी की सहेली हमारे घर का आंगन सजा दे, कुछ रौनक बढ़ जाएगी मेरे घर की। ठीक है, जैसे आप लोगों को मुनासिब लगे भाई साहब। मुबारक हो बहुत बहुत। मुंह मीठा करें। मैं कराती हूँ आपका मुंह मीठा। वैसे ये वाला सेट अच्छा रहेगा शहजाद के लिए। पैसे कहाँ से लाऊं? पिछली बार भी मम्मी से शॉपिंग का बहाना करके लिए थे। किससे मांगू? भाई से मांगू? भाई? काम था आपसे। हाँ कहो। वो कुछ पैसे चाहिए थे मुझे। कितने पैसे? यही कोई 1.25 लाख। इतने पैसे क्या करना तुम्हें? क्या करूंगी मैं शॉपिंग करनी है मुझे। श्री अम्मी ने बताया था कुछ दिन पहले ही तुम्हें शॉपिंग करवाई है। हाँ तो क्या मतलब है भाई, मैं शॉपिंग नहीं कर सकती फिर से। कॉलेज में ना फंक्शन है, उसके लिए डिजाइनर वेयर चाहिए मुझे। आपको तो पता है कपड़े कितने महंगे होते हैं, बहन को एक ड्रेस नहीं लेके दे सकते आप। अच्छा ठीक है, मैं पैसे ट्रांसफर करवा देता हूँ। थैंक यू भाई। हमना, अब तुम इस बात का इशू क्यों बना रही हो? अम्मी कितना हर्ट हुई है इसका अंदाजा भी है आप लोगों को? अरे हो सकता है फुफो की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से बाबा ना लेके गए हूं। जी नहीं, उनको डर था कि अम्मी कुछ कह ना दे, इसीलिए छोड़ के गए। तो जब वजह पता है ना तो फिर रो क्यों रही हो? आप मुझसे इतना रूड हो सकते हैं, मुझे यकीन भी नहीं हो रहा। देखो अम्मा, जो कुछ हुआ है ना वो नहीं होना चाहिए था। बाबा ने कुछ नहीं कहा और ना हमें कुछ कहने दिया, सो प्लीज तुम भी इस बात का इशू मत बनाओ। मेरे भाई की शादी है यार, और मैं चाहता हूं कि तुम भी बिना किसी इशू तमाम खुशियों में शरीक हो दिल से। बाबा आ गए, प्लीज उनके सामने रोना धोना शुरू ना कर देना। बस अपने घर वालों की फिक्र है, मेरी मां मेरी बहन तो जैसे इनके कुछ लगता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी रूमी नजर नहीं आ रही, जब से मैं ऑफिस से आया हूँ दिखाई नहीं दे रही, सुबह ऑफिस जाते वक्त भी नजर नहीं आई। घर पर होगी तो नजर आएगी ना। वो अपने घर गई है? हाँ, उसका भाई उसे जबरदस्ती लेकर गया है। जबरदस्ती पर क्यों? जाहिर है जब उसके भाई के सामने आंटी हाथ जलाएंगे उसका तो वो लेकर ही जाएगा ना। चची जान ने हाथ जला दिया, क्यों? देखो गलती भी तो रूमी की है ना, क्या जरूरत थी जूनी पर इल्जाम लगाने की? वो कह रही थी कि जूनी को उसने किसी लड़के के साथ देखा है।
हाँ तो वो सच्ची तो कह रही थी, मैंने भी तो उसे उस लड़के के साथ देखा था। हाँ तो तुम असद भाई के सामने जाकर ये बोल दो और रूमी के ऊपर से इल्जाम हट जाएगा। बेचारी का थोड़ी देर पहले भी फोन आया था, लेकिन असद भाई ने गुस्से के मारे उसकी कॉल नहीं उठाई। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, काश मैं रूमी के लिए कुछ कर पाती। अरसल मिठाई लाओ। जी बाबा, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ मुबारक है, मुबारक। बुढ़िया अगले महीने की 5 तारीख रखी है। मुबारक हो ताहिर भाई। मुंह मीठा करो ना। आपकी बेतबारी से इस कड़वे मुंह का जायका नहीं बदल सकता। देखो बुढ़िया, मेरा मतलब है कि तुम्हारी तबीयत जो है ना। रहने दीजिए ताहिर भाई, मैं इन बहानों से बहलने वाली नहीं हूँ। साले आप बात तो सुनो। सुनने के लिए अगर कुछ बाकी रह गया ना भाभी, तो बात के लिए रख ले, कहीं वो सुनकर मेरी तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। बल्कि मैं तो कहती हूँ आप लोग मेरे मरने की दुआ कर, एक ही दफा आपकी जान छूट जाएगी मुझसे। फिर अल्लाह ना करे मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। मैं इतना जीकर क्या करूंगी ताहिर भाई, जब अपनों के रवैये बदलते ना तो जीने की ख्वाहिश ही मर जाती है। मेरी तो अपने रब से एक ही दुआ है, अल्लाह मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मेरी रमशा का घर बस जाए। देखो गुड़िया। बस बस ताहिर भाई, आप जाए और अपनी खुशियां बनाए। मैं तो कहती हूँ मुझे दिन और तारीख बताने की भी जरूरत नहीं है, कहीं मुझ मजबूर बेवा की नजरें ही ना लग जाए आपकी खुशियों को। तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है, मगर आप लोगों ने बहुत नाजायज किया मेरे साथ। अल्लाह सब जानता, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। बहुत नाराज है। ये भी मुंह मीठा करो। आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो। रूमी झूठ नहीं बोल रही। इस मामले में मत पड़ो। क्यों ना पढ़ूं? आप उसकी बात पे तो यकीन नहीं कर रहे, मगर मैं भी गवाह हूं उस बात का। उस दिन रूमी मेरे साथ ही थी जब हमने जूनी को उस लड़के के साथ देखा था। मैंने रूमी को बोला था कि तस्वीर ले ले, मगर वो बेचारी कर्टिसी में मारी गई। रूमी का सिर्फ इतना कसूर है कि जूनी को अपनी बहन समझकर उसे उस दलदल में गिरने से बचाना चाहती थी। आप तो उसके शौहर हैं, उसे समझना चाहिए। कम से कम उसकी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश तो करते। उसकी बात पर यकीन ना करके आपने उसे हर्ट किया। जूनी को मैं पिछले कुछ अरसे से जानता हूं, जबकि जूनी को बचपन से जानता हूं। आप अपनी बहन को ठीक से नहीं जानते। अगर आपको मेरी बात पे भी यकीन नहीं है तो जाकर कॉलेज पता कर लें, पता करें कि उसने कितनी क्लासेस बंक की। बिल्कुल पता करूंगा, क्योंकि मुझे भी डाउट में रहना पसंद नहीं। उम्मीद है कि जब आपका डाउट खत्म होगा
तो आप रूमी पर यकीन कर सकेंगे, उस पर भरोसा कर सकेंगे। अम्मी, अम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूं, खुदा हाफिज। असद भाई आप नाश्ता नहीं कर रहे? मुझे भूख नहीं है, वैसे भी जरूरी काम है। क्या बात है, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। अपनी किस्मत पे रश का रहा है मुझे। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि घर के काम भी करने लगी हो, कम कमी सही लेकिन किचन में भी जाना शुरू कर दिया है, अम्मी भी तुमसे खुश हैं, जूनी भी तरीके से बात कर रही है, क्या सा करे? यूं समझो कि मेरा जादू चल गया। और ये जादू पहले क्यों नहीं चला? हाँ, हर काम का एक वक्त होता है, और अब वो वक्त आ गया है। अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। ये जो रूमी सासू माँ की चमची बन के घूम रही थी ना, मैंने उसका ऐसा पत्ता साफ किया कि अब चाह कर भी ना मुझसे जीत नहीं सकते। तुम कर क्या रही हो? मजे। चलो नाश्ता करो। ठीक है आप जी, काफी क्लासेस बंक किए इन्होंने, और ये देखें आज की अटेंडेंस भी नहीं। अम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ, खुदा हाफिज। जुनी कहाँ हो तुम? ओके, वैसे असद भाई तुम्हारे कॉलेज ही आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे इसी बात का डर था। तुम एक काम करो, मुझे तुम मुझे अपनी लोकेशन भेजो, फिर तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। वो लोग खानदानी हैं? खानदानी लोग अपनी बहू के हाथ इस तरह जलाते हैं? क्या क्या कह रहे ताहिर भाई? मेरी रूमी वहां खुश नहीं है। क्या बताया तुमने आग चलने के बारे में? असल मेरा यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूं।
अरे तुम ऑफिस नहीं गए? नहीं। क्यों खैरियत? जूनी कॉलेज से कितने बजे घर आती है? जूनी का कोई एक वक्त तो है नहीं, कभी जल्दी आ जाती है और कभी देर से भी आती है। लो आ गई है। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ थी तुम? कॉलेज। सच सच बताओ कहाँ गई थी तुम? किस लहजे में बात कर रहे हो तुम? वही लहजा जो ही डिजर्व करती है। पूछे से कहाँ गई थी ये? अरे बता तो रही है कि कॉलेज गई थी। कॉलेज में नहीं थी ये, मैं इसके कॉलेज गया था। पूछे से कहाँ गई थी ये? जूनी मेरे साथ। जी जूनी मेरे साथ थी। इसकी कॉल आई थी मुझे कि तबीयत खराब हो गई है। मैं इसे क्लिनिक लेकर गई थी और वहां से ड्रिप लगवाकर वापस लेकर आ रही। मेरी मासूम बच्ची, अरे ये क्लिनिक गई थी, बीमार थी और तुम इसे डांट रहे हो। जरूर तुम्हें रूमी ने उकसाया होगा। रूमी ने मुझे कुछ नहीं कहा। उसी ने कहा है, वो इसे भाइयों की नजरों में गिराना चाहती है। ऐसा नहीं है अमी, मैं इसके कॉलेज गया था अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, वहां इसकी अटेंडेंस भी शॉर्ट है। हाँ तो नहीं हूं मैं रेगुलर, पढ़ाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है अब और एग्जाम सर पर है। नहीं ऐसे में कॉलेज जाने का मकसद तो यही हुआ ना कि बिना वजह की एक्टिविटीज में अपना टाइम जाया कर दूं। इससे बेहतर तो ये ना कि घर बैठ के मैं पढ़ ही लूं। हो गई तसल्ली या फिर मजीद अपनी बहन को कटहरे में खड़ा करना चाहते हो? नहीं ऐसा नहीं है मैं बस। अरे भाई तो बहनों के सर पर चादर ढांपते हैं और तुम अपनी बहन पर शक करने लगे। शहजादी अकेली क्यों बैठी है? ऐसे ही बाबा बस। क्या बात है बेटा, जब से आई हो तुम बुझी बुझी सी हो। क्या असद से लड़ाई हुई है? नहीं तो बाबा, असद बहुत केयरिंग है, बहुत ख्याल करता है मेरा। जब अल्फाज और लहजा साथ में देना तो इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ है। मेरे घर की सबसे छोटी बेटी इतना बड़ा सच मुझसे छुपा रही है, जरूर कोई बात है। जो सच परेशान करे उसका नाम बताना ही बेहतर है बाबा। देखो बेटा, आज मैं सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ। बाप क्या तुम खुश नहीं हो ना अपने ससुराल में? मैं तो खुश हूँ बाबा, शायद वो लोग खुश नहीं है। कुछ भी कर लूं उनकी शिकायतें शिकवे गिले खत्म ही नहीं होते। और असद वो तुम्हें सपोर्ट नहीं करता ना? रोमी। जी बाबा। मैं समझ गया, इस सवाल का जवाब देना मेरी बेटी के लिए इतना मुश्किल है, उसका वहां रहना कितना मुश्किल होगा। शायद जल्दी में हमसे गलत फैसला हो गया। नहीं नहीं बाबा ऐसा नहीं है। मैं झूठे दिलासे से बहलने वाला नहीं हूं। ये हाथ कैसे जला था? बाबा वो जो चाय बना रही थी ना तो गिर गई हाथ। तुम्हें मेरे सर की कसम, बताओ ये हाथ कैसे जला था? बताओ जला था या जलाया गया था? बताओ बेटा। नहीं नहीं बाबा, गलती से उनसे चाय गिर गई थी मेरे हाथ पे। बस
बस और कुछ नहीं सुनूंगा, कुछ नहीं सुनूंगा। अरे वाह, आज जूनी मेरे कमरे में। वो आपको थैंक यू कहने आई थी। ओ, पूरा दिन गुजरने के बाद तुम्हें भाभी को थैंक यू बोलना याद आया है ना? मैं आपके लिए गिफ्ट लेने गई थी, इसलिए देर हो गई। गिफ्ट मेरे लिए? आपने जो मेरे लिए किया, आप फोन ना करते तो शायद मैं पकड़ी जाती ना। मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चाहे वही इंसिडेंट हो गया, वरना मैं तो सारी जिंदगी ये समझती रहती कि आप मेरी दुश्मन है। वैसे कहते हैं कि दोस्त का बुरे वक्त में पता चलता है कि वो अच्छा है या बुरा, और देखो मैं तुम्हारे बुरे वक्त में काम आई हूँ, अब हम दोस्त हैं। जी जी। वैसे शहजाद मुझे अच्छा लगा। अच्छा है ना वो? पता नहीं रूमी को क्या उसमें बुराई नजर आ गई। रूमी मुझे थोड़ी सी जेलस टाइप लगती है। मुझे लगता है वो नहीं चाहती कि तुम्हारी लव मैरिज हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, सच में? थैंक यू। लेकिन मैं तुम्हें मोहतात करना चाहती हूँ, रूमी से थोड़ा बच कर रहना, क्योंकि असद भाई के सामने तुम्हें बदनाम करने का वो एक भी मौका नहीं जाने देंगे। रूमी की ना मुझे कोई परवाह नहीं, उसके लिए तो अम्मी काफी। पर थैंक यू और सॉरी, प्लीज सब पुरानी बातें भूल जाइएगा। वैसे मैं सोच रही थी मामू एक दफा भी आपको दोबारा मनाने नहीं आए। उन्हें क्या फर्क पड़ता है आपकी अम्मी की नाराजगी से? ऐसी बात नहीं है, ताहिर भाई को फर्क पड़ता है, बस वो अपनी किसी परेशानी में उलझे हुए। क्या उलझन होगी रूमी के अलावा, बस उसी की फिक्र सबको खाए जा रही है। और हम तो जैसे कोई कीड़े मकोड़े हैं, हम तो किसी को नजर ही नहीं आते। बीबी जिस तरह तुम अपने कमरे में बंद रहती हो ना पढ़ाई के बहाने कर करके, तुमने वैसे भी किसी को नजर नहीं आना। लो अब आप मामू और रूमी की क्लास लेने के बजाय मुझ पर ही शुरू हो गई। रमशा अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम किसी काम को हाथ नहीं लगाती हो। हाँ भी तो मैं क्या काम करूँ, और मेरे काम करने का क्या फायदा है, तो फिर मैं अपना वक्त जाया क्यों करूँ? के तेवर देख रही हो इसके, थोड़े से होश के नाखून दो इसे। छोड़े अम्मी आप इसे, इसकी हरकतें नहीं बदलने वाली। अल्लाह ही रहम करे फिर इस पर। खैर आप कहाँ जा रही हैं? ताहिर भाई के पास। आप तो नाराज थी उनसे। नाराजगी अपनी जगह, लेकिन मेरे भाई की परेशानी अपनी जगह। हमारे परेशान होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बेकार में अम्मी मामू ममानी के आगे पीछे घूमती रहती हैं। खैर फायदा तो मुझे भी कोई नहीं होने वाला, सारा दिन कोलू के बैल की तरह काम करती रहती हूँ। ताहिर
आप रूमी के ससुराल अभी जाएंगे? हाँ हाँ, मैंने अभी बात करनी है। रूमी ने आपसे कुछ कहा है? तुमने मेरी बीमारी का वास्ता देकर उसकी जबान पर ताला लगवाया था। मैंने अपनी कसम देकर वो ताला खुलवा लिया है। बहुत जुल्म किया है तुमने। उन्होंने उसका हाथ जला दिया और तुमने ये बात मुझसे छुपाई रखी। ताहिर, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आपसे छुपाई बात। मेरी तबीयत की वजह से मेरी बेटी को तुम जानो में धकेल दोगी। अच्छा आप बैठ जाए, आपका बीपी हाई हो जाएगा। मुझे मेरी तबीयत की परवाह नहीं। तुम अभी असद को फोन करो और उसे बुलाओ, मैंने बात करनी है उससे। ताहिर, असद को यहाँ बुलाना मुनासिब नहीं है। सालिया क्या सोचेंगी? कौन क्या? बुढ़िया इधर आओ। जी जी ताहिर भाई। तुमने ही मेरी रूमी का असद से रिश्ता करवाया था ना? जी ताहिर भाई, मैंने ही करवाया था। और तुमने उनके खानदान की बड़ी तारीफ की थी। तो मैंने कोई झूठी तारीफ नहीं की थी। वो लोग खानदानी हैं। खानदानी लोग अपनी बहू के हाथ इस तरह जलाते हैं? क्या 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 कह रहे ताहिर भाई? मेरी रूमी वहाँ खुश नहीं है। कर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो हमेशा बहुत खुश नजर आई। ये गलतफहमी अब दूर हो गई है। वो क्या समझते हैं कि मेरी बेटी लावारिस है? अभी बुलाओ असद को, वो अपनी माँ को लेकर आए। मैंने अभी बात करनी है उससे। मैं करती हूँ बात ताहिर भाई, आप परेशान मत हो। आप जल्दी करो बात। जी जी मैं करती हूँ, जल्दी करो। आप तो बैठ जाएं, तबीयत खराब हो जाएगी। क्या करते हैं? पानी क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वो तुम्हारे अंकल बुला रहे हैं तुम्हें, तुम कल आ सकते हो? क्यों आंटी, खैरियत? हाँ, वो कुछ बात करना चाह रहे हैं रूमी के हवाले से। ठीक है आंटी, मैं कल आ जाता हूँ। आप प्लीज रूमी से मेरी बात करवा देंगी? अच्छा एक मिनट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम असद। अंकल ने क्या बात करनी है आपसे? असद, मैंने कुछ नहीं बताया उन्हें। उन्होंने मुझे अपने सर की कसम दी थी तो मुझे बताना पड़ा। क्या बताया तुमने? हाथ चलने के बारे में। यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ। क्या कह रहे थे, कल आएगा? मैंने क्या किया है? मुझे क्यों घूर रहे हैं? हाँ तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन इस सब की जिम्मेदार फुप्पो हैं। उन्होंने गारंटी दी थी हम सबको। मैं तो पहले इस शादी के खिलाफ था। हर्षल प्लीज ठंडे दिमाग से सोचें। हो सकता है रूमी ने झूठ बोला। मेरी बहन झूठ नहीं बोलती। रूमी झूठ नहीं बोलती। कल आने दो असद को, अब खुलकर बात होगी। इस तरह करेंगे तो रूमी का रहना मुश्किल हो जाएगा अपने ससुराल में। उसकी सास ने ऑलरेडी मुश्किल किया हुआ है उसका वहां रहना। मेरा जीना भी तो हराम कर रखा है इस रूमी ने। जो कुछ हो रहा है इसके साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है। आह लगी है मेरी। वैसे फूफा ने रूमी और हमारे साथ अच्छा नहीं किया। इसमें अम्मी का क्या कसूर है?
और आप प्लीज अम्मी को इन बातों से दूर रखें। और वैसे भी ससुराल वालों को अपना बनाना लड़की के हाथ में होता है। ओह रियली? अब तुम रूमी के ससुराल वालों की हरकतों को जस्टिफाई करोगी? मेरा ये मतलब नहीं था। बस जरा सा हाथ क्या जल गया, इन लोगों ने तो आसमान सर पे उठा लिया। असद रुको, मैं मानती हूं असद मैं कुछ ज्यादा ही सख्त बोल गई, लेकिन तुम जरा सोचो, लड़की का किरदार शीशे से ज्यादा नाजुक होता है। अगर उसमें एक बार बाल आ जाए ना तो वो कभी ठीक नहीं होता। और जूनी तो तुम्हारी अपनी बहन है, सगी बहन। मैं जूनी का दुश्मन नहीं हूं, उसकी फिक्र इसलिए कॉलेज गया था मैं, और वहां जाके पता चला कि उसकी अटेंडेंस शॉर्ट है और वो कॉलेज में मौजूद भी नहीं। आप मेरी जगह होती तो यही समझती। नहीं, मुझे अपनी जूनी पर पूरा यकीन है। दुनिया इधर की उधर हो सकती है, लेकिन मेरी जूनी किसी लड़के के साथ चक्कर नहीं चला सकती। अच्छा खैर, छोड़ो इस बात को, तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। सब खैरियत है ना? सब ठीक है? खदीजा आंटी का फोन आया था। बुलाया होगा तुम्हें, चलो मैं भी साथ। नहीं नहीं, आप रहने दें। क्यों रहने दूं भाई? रूमी ने तो सच्ची झूठी सुनाकर रो रो कर अपने बाप और भाइयों को अपना हिमायती बना लिया होगा, और तुम वहां अकेले पड़ जाओगे। देखो बेटा, मैं भी कोई लड़ने नहीं जा रही, बात करूंगी आराम से। अगर रूमी ने बचपना दिखाया तो हमें समझदारी से काम लेना होगा। रिश्ते निभाने के लिए अगर झुकना पड़े तो झुक जाना चाहिए। देखो सर, मैं तो बेटा तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, और तुम्हारी खुशी रूमी है। मैं मना कर लाऊंगी तुम्हारी रूठी खुशी को। थैंक्स अम्मी। अरे रूमी, ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तैयार क्यों होना है मामा? अरे बेटा, तुम्हारा शौहर आ रहा है इसलिए तैयार होना है। लेकिन मामा वो मुझे लेने नहीं आ रहे, वो बाबा से बात करने आ रहे हैं। सच कहूं तो मुझे बहुत डर लग रहा है मामा, पता नहीं भाई और बाबा किस तरह बात करेंगे उनसे। बस अब मुझसे फिर नाराज हो गए तो। बेटा परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा। और वैसे भी तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं, उन्हें जताना जरूरी हो गया है कि तुम्हारी बैक स्ट्रॉन्ग है। बेटा हम हैं तुम्हारे साथ। चलो बेटा, अब वो किसी वक्त भी आ सकते हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। मामा ये तो असद की गाड़ी का हॉर्न है। तो कह रही थी ना, देर हो रही है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हारे बाबा का मूड बहुत खतरनाक है, तुम्हें देखे शायद कुछ नर्म लहजे में बात कर लेंगे। मैंने वैसे समझा तो दिया है उनको। आ जाओ बेटा जल्दी से। मामा आप खुद मुझे नसीहत कर रही थी कि परेशान ना हो, और अब खुद इतना परेशान हो रही है। बेटी की माँ हूं ना, और मामला भी तुम्हारे ससुराल का है, परेशान कैसे ना हूं। चलो अब जल्दी करो, तैयार हो जाओ, मैं बाहर संभालती हूँ, तुम तैयार होकर नीचे आ जाओ। Oh.
शेयर।